हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संतोष कुमार गौड़ और इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। और हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, जिसमें हमने ये बताने की कोशिश करी थी कि जो परिमेय संख्याएँ हमको दी गई थी उनका दशमलव प्रसार कौन सा शांत है और कौन सा अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो जो ये दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक्सरसाइज 1.4 का जो दूसरा क्वेश्चन है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो इसके पहले वाले प्रश्न में जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को हमने बताया था कि ये शांत हैं, उनको मैंने छांट करके इसमें लिख लिया है। तो इसका जो पहला पार्ट है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, 31। अच्छा, इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली बात है। पहला तो ये कि मतलब जो है, जो दशमलव प्रसार हमको लिखना होता है, वह जो ये अंश है जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और हर जो है जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो न्यूमरेटर को हम पहले डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, और उसके बाद जो हमारा आंसर होगा वही हमारा दशमलव प्रसार होगा। लेकिन हम यहाँ पर इसको भाग कैसे दें, क्या 13 को 3125 से भाग दें, ऐसे में तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसका एक शॉर्ट तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और उसी विधि से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो इसमें देखिए हमको क्या करना है। सबसे पहले तो हम 3125 के गुणनखंड कर लें, जो हमने पिछले वाले वीडियो में किया भी था, क्वेश्चन नंबर 1 में इसी तरीके से हमने किया था। तो 5 कितना आ जाएगा, 625। फिर 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 125। फिर 5 से कर लेंगे तो 25। फिर 5 से कर लेंगे 5, और फिर 5 से कर लेंगे तो 1। ठीक है ना, तो कितना आ गया, 3 और 2 5। तो इसका मतलब हमारे पास हो गया 3125 की जगह पर हम यहाँ लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, तो इसको हम रब कर दें। अब देखिए हमारे पास ये आ गया है 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 की घात कितना, 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको और अधिक सरल करने के लिए, इसमें 2 की घात 5 से और ऊपर भी 2 की घात 5 से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, आपको याद होगा 2m और 5m, यही था ये प्रूफ करने के लिए कि ये शांत है कि अशांत है। तो यहाँ पर हमने, हमारे पास 5 की पावर 5 है, हमने क्या करा, 2 की पावर 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए क्या हो जाता है हमारे पास, ऊपर हो गया 13 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी तरह से नीचे भी हो जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम और मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, तो यहाँ आ गया 32। और नीचे हम इसको गुणा करेंगे 5 को 2 से। ठीक है, हर 5 को उसके 2 वाले हिस्से से गुणा कर लेंगे, तो देखिए कितनी बार 10 आ जाएगा, 5 × 10। इसी तरीके से 5 बार क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर क्या आ जाता है हमारे पास, 13 और 32 का गुणा जब करते हैं तो 3 × 6 हासिल, कुछ नहीं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 13 यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 × 6 हमने यहाँ कर लिया, 3 × 9। ठीक, और 2 × 1 = 2, सबको जोड़ लेंगे, 9 × 11 = 17, 17 का 7, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 × 6 ये यहाँ आ जाएगा, 3 × 9 और 2 × 1 = 2, 9 × 11 = 1 हासिल लगा, 1 × 3 = 3 और 1 = 4, 416 आ गया। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की घात 5। ठीक है, आपने बहुत पहले क्वेश्चन पढ़ा होगा वैज्ञानिक संकेतन वाला, उसी से ही रिलेटेड ये भी है। इसमें हमको क्या करना होगा, देखिए अब नीचे जो 10 की घात 5 लगा है, तो इसका मतलब है जब हम 10 की घात 5 5 को हटाएंगे, या ये पूरा नीचे से हटाएंगे, तो ऊपर जो है 5 स्थान पहले क्या होगा, दशमलव लग जाएगा। तो हमारे पास पहले स्थान पे 6 है, दूसरे पे 1 है, तीसरे पे 4 है, चौथे पे 0, पांचवें पे 0, और फिर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17/8 सेकेंड वाला हिस्सा इसका,
इसमें तो अलग से गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर लिख लेते हैं 7 17 बटे 2 × 2 × 2, ठीक है ना। अब इसी में क्या करेंगे, ये 3 बार है तो हम क्या करेंगे, 3 बार ऊपर नीचे 5 से गुणा कर लेंगे, नीचे भी 5 से 3 बार गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 पंजे 10, या यूं कहें 3 बार हमारे पास 10 आ गया, ऊपर हमारे पास क्या आया 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 और 17 का गुणा कर लेते हैं, 125 और 17 का गुणा कर लेते हैं, 5 7 35, 5 हासिल 3, 7 2 14 और 3 17 का 7 हासिल, 1 7 1 7 और 1 8, और यहाँ तो हो जाएगा 125, 5 7 5 12 2 हासिल 1 8 9 10 11, और यहाँ भी कैरी हो जाएगा तो 2125 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हम ले लेते हैं 2125 और इसको हटा देते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास हो गया 2125 और यहाँ हो गया 10 की घात 3, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर 3 स्थान पहले दशमलव लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए पहले स्थान पे 5 है, दूसरे स्थान पर 2 है, तीसरे स्थान पर 1 है, और यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। तीसरा दे रखा है 15 बटे 1600, तो इसमें क्या करेंगे 1600 का भी फैक्टर कर लेते हैं, तो देखिए 1600 का फैक्टर पहले हम देखते हैं खुद से थोड़ा बहुत बिना गुणनखंड विधि का प्रयोग किए कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है। जैसे देखिए अब इसको अगर करना है तो 16 × 100 कर लेते हैं, ठीक है। 15 16 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 4 × 8 × 16 2 × 5 × 5 है ना, 25 × 25 और 100, ठीक है। ये हो गया 100 के लिए और ये हो गया 16 के लिए, ठीक ना, तो 1600 हो गया, क्लियर है। अब हम आगे देख लेते हैं क्या है हमारे पास, 15 नीचे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 6 6 बार है और ये 2 ही बार है, तो 2 की पावर हो गई 6 × हम क्या करेंगे, नीचे यहां लिख लेते हैं 2 की पावर 6 और ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं किससे, 5 की पावर, देखिए यहाँ पर 5 की पावर 2 ऑलरेडी है हमारे पास, तो 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 6 बार है, और यहाँ पर 5 सिर्फ 2 ही बार है, तो हम 4 बार और 5 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो इससे 5 भी 6 बार हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इसी को आगे कर लेते हैं, देखिए भाई ऊपर हो गया 15 × 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, तो ये हो गया 625 और नीचे हमारे पास हो जाएगा 10 की घात 6, ठीक है, समझ में आ रहा होगा अब तो आप लोगों को। अब हमको क्या करना है, 625 और 15 का गुणा कर लेना है, तो 625 और 15 का गुणा कर लेते हैं, 25 25, 5 हासिल 2, 5 10 दोबारा का 2 हासिल 12 का 2 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31 हो गया इधर और 625 हो गया इधर, 5 5 2 7 2 1 3 6 3 9, 9375 हो गया, कितना 9375 और नीचे हो गया 10 की घात 6, तो 6 स्थान पहले हमको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है, तो पहले स्थान पर है 5, दूसरे स्थान पर है 7, तीसरे स्थान पर है 3, फिर 9, फिर 5वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर 0 लगा के यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। था क्वेश्चन जो है वो है, (23) 2 की घात 3 5 की घात 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पहले से ही फैक्टर दे दिया है। अब देखिए ऊपर है 23, नीचे है 2 की घात 3 × 5 की घात 2, तो हम क्या करें, ऊपर नीचे 1 1 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 की घात भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो हमारे पास हो गया 23 × 5 और नीचे हो गया 10 की घात 3, ठीक है भाई। इसको अगर ना समझ में आया हो तो ऐसे समझ लीजिए, और एक ये वाला 5 यहां से उधर आया, तो 2 पंजे 10 2 पंजे 10 2 पंजे 10, तो 10 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब ऊपर देख लेते हैं, 5 5 15 5 हासिल 1 5 10 और 1 11, 115 बटे 10 की घात 3, 3 स्थान पहले दशमलव लगाना होगा, तो 5 ये पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ दशमलव लगा के 0, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब पांचवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो पांचवा वाला क्वेश्चन हम यहीं पर देख लेंगे, 6 बटे 15, ठीक।
तो इसका जब हमने फैक्टराइजेशन किया था तो हमने क्या देखा था, पहले इसको सॉल्व कर लिया था, 3 दुनी 6, 3 पचे 15, तो 2/5 आ गया था। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2/5 ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेते हैं, तभी तो 10 होगा। तो 2 दुनी 4, नीचे हो गया 10, तो हमारा एक स्थान पहले लगेगा, तो 0.4, ये हमारा हो गया आंसर। सिक्स वाला हम देख लेते हैं क्वेश्चन, सिक्स वाला है 35/50। तो 50 का हमने फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर है 35 और नीचे है 2 × 5 × 2 × 2 × 5, हाँ 2 × 2 = 4, 50 × 5 × 10, 2 × 5 × 5, सही है, 25 × 50, ठीक। अब हमारे पास किस चीज की कमी है, 2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना भाई। देखिए 5 × 10, अब 1 5 रह गया तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 10 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर, देखिए ऊपर नीचे गुणा इसीलिए करते हैं ताकि जो है ये बैलेंस बना रहे, ऊपर नीचे का बैलेंस बना रहे, ठीक है। इससे ऊपर भी ना ज्यादा बढ़ गया और नीचे भी कम नहीं हुआ, ना ही बढ़ा। तो हमारे पास हो गया नीचे, एक तो इसका पेयर बन गया, एक इसका बन गया, तो 2 बार 10 हो गया और 35 दुनी ऊपर हो गया 70, और यहां पर हो गया 10 की घात 2, ठीक। तो हमारे पास हो जाएगा, दो स्थान पहले लगा देंगे तो हमारे पास हो गया 0.7। अब इस 0 की वैल्यू है भी नहीं, चाहे तो आप लगाइए चाहे ना लगाइए, अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखा, जिसमें हमको उसके जो भी परिमेय संख्याएं दी गई थी उसके दशमलव प्रसार को लिखना था, वो हमने देखा कि कैसे उसको लिखना चाहिए और कितना सरल तरीके से हमने लिखा, भाग करने की ज़्यादा ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।